अंडररेटेड मूवीज़ के सेकेंड पार्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट 5 मूवीज़ जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 5 सैटेलाइट शंकर। 2019 की वन ऑफ द अंडररेटेड मूवी सैटेलाइट शंकर इस लिस्ट की 5th पोजीशन पे है। मूवी में लीड में सूरज पंचोली है जो सैटेलाइट शंकर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मूवी बाकी मिलिट्री बेस्ड मूवी से काफी अलग। मूवी में दिखाया है कि कैसे एक फौजी की लाइफ टफ रहती है जहां उन्हें सालों हो जाते हैं अपने घर तक जाने नहीं मिलता। मैं घर जाना चाहता हूं। इसी बीच काफी साल के बाद सूरज पंचोली को छुट्टी मिल जाती है जिसमें वो सिर्फ एक ही दिन अपनी माँ को मिल पाएगा जिनका ऑपरेशन कराना रहता है। मूवी दिल को छू जाती है और आपको ये अपने फैमिली के साथ एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी इतनी अच्छी होने के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही खराब परफॉर्म किया था और सिर्फ 50 लाख ही कमा पाई थी। नंबर 4 आमिर। 2018 में रिलीज हुई अजय देवगन स्टार रेड मूवी के लिए जाने हुए डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की पहली मूवी 2008 में रिलीज हुई आमिर थी। मूवी में स्टार कर रहे हैं राजीव खंडेलवाल। मूवी की स्टोरी एक मुस्लिम NRI डॉक्टर पे बेस्ड है जो इंडिया अपनी फैमिली से मिलने आता है, पर इंडिया आते ही उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया। 5 घंटे तेरे पास उन्हें बचाने के लिए। और फैमिली को बचाने के लिए उसे किडनैपर की हर एक बात माननी होगी। मूवी में राजीव खंडेलवाल ने डॉक्टर का रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। मूवी को क्रिटिक्स से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे और इसकी IMDb रेटिंग भी 7.7 है, पर फिर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 3 रंग रसिया। केतन मेहता की डायरेक्टोरियल मूवी 2008 में रिलीज हुई। ये मूवी इंडिया के वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की लाइफ और उनके पेंटिंग्स पे है। मूवी में रणदीप हुड्डा लीड रोल प्ले कर रहे हैं। माना जाता है कि राजा रवि वर्मा पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदू भगवान के फेसेस बनाए अपने पेंटिंग में। देवी देवता मंदिर में शोभा देते हैं, वो हर किसके लिए नहीं। ये मूवी की सेंट्रल स्टोरी इसी पे बेस्ड है। मूवी के इतने बोल्ड टॉपिक के वजह से मूवी के रिलीज पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। पुअर मार्केटिंग के वजह से ज्यादा लोगों को ये मूवी का एग्जिस्टेंस भी नहीं पता। मूवी के इतने बोल्ड और डिफरेंट टॉपिक के वजह से ये मूवी एटलीस्ट 1 टाइम वॉच जरूर डिजर्व करती है। नंबर 2 अलीगढ़। अलीगढ़ मूवी डायरेक्ट की थी हंसल मेहता ने, जो हमेशा ऑफ द टॉपिक मूवीज लाने के लिए जाने जाते हैं, और लीड रोल में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव। मूवी में मनोज बाजपेयी को एक प्रोफेसर के रोल में दिखाया गया है जो गे रहते हैं और उनको एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। इसी बीच यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका वीडियो शूट करते हैं और उनकी सेक्सुअलिटी का पूरी यूनिवर्सिटी के सामने एक्सपोज करते हैं। मूवी में मनोज बाजपेयी एक अलग ही रोल में नजर आए हैं जिसके लिए उनको फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। राजकुमार राव का भी मूवी में एस रिपोर्टर बहुत ही अच्छा रोल रहा है। मूवी को IMDb पे 7.8 रेटिंग मिली है, पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर रही और सिर्फ 4 करोड़ ही कमा पाई। नंबर 1 आनंद। 1970 एक टाइम था जब राजेश खन्ना अपने करियर की पीक पे थे और तभी उन्होंने अपनी करियर बेस्ट आनंद मूवी दी थी। मूवी में राजेश खन्ना को एक अनक्यूरेबल कैंसर है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने फ्रेंड अमिताभ के साथ बिताना चाहते हैं। मैं इस मूवी को एक टाइमलेस क्लासिक मानती हूँ, मेनली इसकी कंटेंट की वजह से, और आपको आज भी ये मूवी इंस्पायर करेगी कि कैसे मुश्किल हालात में भी आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? इसी मूवी के गाने जिंदगी कैसी है ये पहेली और कहीं दूर जब दिन ढल जाए आज भी उतनी ही फ्रेश है जितने 50 साल पहले थी। ये थी आज की टॉप 5 बॉलीवुड अंडररेटेड मूवीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको इनमें से एक भी मूवीज पसंद आई और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।